मीरगंज में गिरे बड़े बड़े ओले, फसलें बर्बाद, खेतों में जम गई बर्फ की शिलाएं। मीरगंज तहसील क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से दौली, जवाहरलाल, नारा, फरीदापुर, केरा, अमौर समेत आसपास कई गांवों में भारी तबाही हुई है। किसानों ने शनिवार को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीरगंज तहसील क्षेत्र के कई गांवों में इतने बड़े बड़े ओले गिरे जो 18 घंटे बाद भी नहीं पिघल सके। ओलावृष्टि से खेतों में गेहूं की फसल गिर गई तो सरसों की बालियां टूट गईं और मिर्च टूटकर नीचे गिर गई। इतना ही नहीं, पेड़ों के पत्ते भी झड़ गए। वहीं खेतों में कटी पड़ी फसल डूबने से अब फसल सड़ने का अंदेशा है। शनिवार सुबह जब किसान खेतों की तरफ गए तो फसलों की बर्बादी देख रो पड़े। दौली जवाहरलाल निवासी किसान नन्हेलाल ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे भयंकर ओलावृष्टि हुई। इतने बड़े बड़े ओले गिरे जो 18 घंटे बाद भी नहीं पिघल पाए। ओलावृष्टि से गेहूं, लहटा, सरसों, मिर्च आदि फसल बर्बाद हो गई है। पोथीराम निवासी दौली जवाहरलाल ने बताया कि इसके पास 4 बीघे में हरी मिर्च कर रखी थी। ओलावृष्टि से उसकी सभी फसल नष्ट हो गई। ओलावृष्टि से दौली जवाहरलाल, नारा, फरीदापुर, केरा, अमौर समेत आसपास कई गांवों में भारी तबाही हुई है। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। SDM कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि ओलावृष्टि की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को भेजा है। मौसम विभाग की ओर से गुरुवार और शुक्रवार को बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया था। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से खेतों में खड़ी गेहूँ की फसल लोट गई। खेतों में पानी भरने से अब ये फसल सड़ने का खतरा है। बारिश के बाद फसल कटाई का काम भी बंद हो गया। ये बड़े और अब तक मान लो 18 घंटे होने को जा रहे हैं। गली में है वो तो 100-150 ग्राम की। कौन सा गांव है जी? ये दौली जवाहरलाल है। दौली जवाहरलाल जी। अच्छा, तो ये शाम से ये ओले अभी पड़े हो, ये गले भी नहीं है अभी? गले पाए साहब। अच्छा, तो फसलें भी पूरी चौपट हो गई होंगी? हाँ, सारी फसलें, गेहूँ, लहटा, धान, मिर्च अच्छा, जो कुछ है सब बर्बाद होगी लोगों की। तो ये ओलों का ढेर है इतना? हाँ, ओलों का ढेर है। अच्छा, कितने घंटे हो गए ये बारिश हुई है? शाम 5 बजे बारिश हुई है और अभी मान लो 18-19 घंटे होने को जा रहे हैं। गन्ना पाया, सारा ढेर लगा हुआ है। ये ढेर अभी लगा हुआ है यहाँ पर, क्यों? अच्छा, कोई अधिकारी आए हैं अपने क्षेत्र में फसलें देखने के लिए? कोई रिपोर्ट नहीं ली, कोई आया ही नहीं है। अच्छा, वैसे शिकायतें डाल दी है लोगों ने पोर्टल पर। अच्छा अच्छा, शिकायत की है आप लोगों ने? दौली जवाहरलाल। तो ये मिर्चे आपकी है? कै बीघे का खेत है ये? 4 बीघे का। तो ये बारिश हुई है यहाँ पर क्या? क्या कुछ मामला है? घटना प्रदर्शन जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसमें हमारे जो लेखपाल हैं क्षेत्र में लगातार सर्वे कार्य कर रहे हैं। अभी तक लगभग 950 किसानों का डेटा पोर्टल पर फीड हो गया है। इनका नुकसान 33% से अधिक हुआ है और कल रात को संज्ञान में आया है कि ओले की बारिश लगभग 10-12 गाँव में हुई है, ओला पड़ा। उसके लिए भी टीमें सुबह से ही रवाना कर दी गई और लगातार सर्वे कार्य किया गया। सर, लगभग 15 दिन पहले भी बारिश हुई थी, तो उसमें कितना कुछ अभी तक डेटा आपके द्वारा कर दिया गया? 950 किसानों का जो नुकसान हुआ था उसका डेटा पोर्टल पर फीड हो गया और लगभग 300-400 किसानों का डेटा भी फीडिंग की प्रगति है। सर, क्या कुछ देखा गया है? कौन कौन सी फसल ज़्यादा हुई है जो आपके द्वारा जगह नुकसान हुआ है? वो गेहूँ की फसल में हुआ है और जो सरसों कट के खेत में रखी थी उसमें भी नुकसान हुआ है। मीरगंज तहसील में अधिकतर गेहूँ और सरसों की फसल ही बोई जाती है, दोनों फसलों में नुकसान है। सर, आज जो टीम पहुंची है वो कहाँ गई? टीम कहाँ की सुनवाई आ रही है? सारे लेखपाल और कांगो जो है फील्ड में है जी। जिन गांवों में बारिश हुई है उनका लगातार सर्वे किया जा रहा है और रात को जो बारिश हुई है उसमें ओलावृष्टि की संभावना, ये जो 10-12 गांव है उधर ज़्यादा थी, तो वहाँ स्पेशल टीम बना के कांगो के फील्ड में भेजी।